बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मैथ 403 कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री असाइनमेंट नंबर 1, जिसकी ड्यू डेट 13 नवंबर है, LMS पर अपलोड कर दी गई है। इसमें एक ही क्वेश्चन गिवन था, इसको प्रूव करना है। कॉट्स इनवर्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जी ओवर जी स्क्वायर माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड प्रूव करनी है। सपोज किया W इज इक्वल टू कॉट एच इनवर्स जी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस कॉट एच को हम डब्ल्यू वाली साइड पर ले जाएंगे तो इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, जी इज़ इक्वल टू ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने राइट हैंड साइड लिया जी ओवर स्केयर रूट जी स्केयर माइनस 1, यहाँ हमने जस्ट उसकी वैल्यू पुट कर दिया। अब हम जानते हैं कोसिकेंट स्केयर किसके इक्वल होता है, कॉट स्केयर एक्स माइनस 1 के। तो यहाँ पर बस हमने उसकी ही वैल्यू पुट कर दिया, कोसिकेंट स्केयर लगा दिया। स्केयर और स्केयर रूट आपस में कट जाएंगे। कॉस जो होता है वो कॉस ओवर साइन होता है, और कोसिकेंट क्या होता है, वन ओवर साइन होता है। साइन से साइन कट जाएगा, कॉस बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, कॉस को उस साइड पर ले जाएंगे तो ये इनवर्स हो गया हो जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जी ओवर जी स्केयर माइनस 1। अब जस्ट लास्ट में हमने क्या करना है, पुटिंग करनी है डब्ल्यू की वैल्यू इन इक्वेशन 1 में, जो इक्वेशन इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, तो हमें रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सो प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।